नमस्कार, जय हिंद, सभी को राम राम। सभी को महादेव डिफेंस अड्डा चैनल पे सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी को रांची यारो की भर्तियां कल से स्टार्ट हो रही है, यानी जो भी बच्चे कल यानी 1 तारीख को दौड़ कौन कौन से ज़िले के बच्चे दौड़ लगाएंगे इस पे मैं चर्चा करूंगा, और कितने बच्चे रांची यारो की जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हुई थी इसमें कितने बच्चे पास हुए और सीट आखिरकार पिछले बार की अपेक्षा कितनी है, इसके बारे में मैं डिटेल्स जानकारियाँ आपको दूँगा। हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। एवं झारखंड के बच्चे जो हैं सभी, यदि आपको रांची यारो से संबंधित जानकारी यदि रैली से अभी चाहिए तो आप कल से आपको वीडियो हमारी चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी आपको प्रदान किया जाएगा। तो आप हमारी चैनल पे बने रहें। आपको कल से रनिंग कितना टाइमिंग दे रहा है, कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, कहां बच्चे छट रहे हैं, आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन क्या हो रही है, क्या चाहिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल बता दे रहा हूँ। और कल क्या होगी, कितने बच्चे को लेंगे, कितने की ग्रुप बनेगी, क्या है, मैं अभी इस वीडियो में डिटेल बताऊँगा। मैं आपको पहली बार बताना चाहता हूँ, कल जो भर्तियाँ हैं वह 5 जिले की भर्तियाँ हैं, जो कि 1252 बच्चे करीब इसमें दमखम दिखाने वाले हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे रांची यारो की हैं, कल से जो भर्तियाँ स्टार्ट हो रही है, आप सभी जोश जुनून जज्बे के साथ दमखम दिखाने का प्रयास करें। ग्राउंड के अंदर वही बच्चा जो फतेह कर सकता है जिनकी जिगरा में दम हो। भारतीय सेना या 4 साल के हो या 4 दिन की हो, यदि सेना के अंदर जाना चाहते हैं तो आप जो है सो सीधी मोटे तौर पे समझ जाइए कि भारतीय सेना के अंदर आप परमानेंट तौर पे इनरोलमेंट कराने जा रहे हैं, यानी आपको जज्बा और जुनून के साथ भर्तियां देखने जाना होगा, तब भी आपकी जो है सो भर्तियां हो जाएंगे और आप परमानेंट भर्तियां, यदि आपके अंदर दम रहेगी तो 25% क्या 10% में भी आप आ जाइएगा, इसलिए घबराए नहीं। और इसकी जो है सो मोटे तौर पे बता देना चाहता हूँ, अग्निवीर में 25% नहीं 50% पर भी बात चल रही है, हो सकता है आपकी और प्रबंध कराया जाएगा, क्योंकि अग्निवीर पर बहुत सारे चर्चा अभी सैन्य के अंदर हो रही है, जिस पर मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। लेकिन खैर अभी बताना चाहता हूँ, जो 5 जिले की भर्तियाँ कल 1252 बच्चे दमखम दिखाने वाले हैं रांची यारो के अंदर, इनकी भर्तियां फुटबॉल मोराबादी ग्राउंड के अंदर होगी। फुटबॉल स्टेडियम जो ग्राउंड है मोराबादी के अंदर, वहां पे भर्तियां होगी। इनकी भर्तियां 1600 मीटर रनिंग की भर्तियां हो रही है, जो कि जो पहले जहां पे भर्तियां होती थी उसी ग्राउंड के अंदर भर्तियां होगी। अब बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हैं कि क्या इस बार भी उल्टा दौड़ाया जाएगा। जी हाँ, आपको बिल्कुल ग्राउंड में सीधा बैठाया जाएगा और गो बैक कर दिया जाएगा, यानी गो बैक के माने है कि आपको बैक होकर के आपको गो होना है, यानी पीछे मुड़ करके और आपको रनिंग को स्टार्ट कर देना है। तो इसमें बहुत सारे लोग जो प्रैक्टिस नहीं किए होंगे वह आप सोच समझ लीजिएगा, आपको वहां पे जो भी जैसा भी होगा देख लीजिएगा। कल आपको गढ़वा, वेस्ट सिंहभूम और आपकी जामताड़ा, लोहरदागा और दुमका 5 जिलों की जो बच्चे हैं वह दमखम 1252 बच्चे करीब तकरीबन हैं जो दमखम दिखाएंगे। और कल की जो प्रक्रिया होगी, तकरीबन जो भी प्रक्रिया चलेगी, मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से चैनल पे ज़रूर आपको अवगत कराते रहूँगा। जो भी रांची यारों के बच्चे हैं हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। झारखंड से जो भी बच्चे हैं वो अवश्य सब्सक्राइब करें। और सीट की बात करें तो लगभग इसमें टोटल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में जो बच्चे पास हुए हैं वो 10,000 समथिंग हैं, यानी 10,000 के करीब इसमें जो है सो टोटल पास हुए हैं। तो आपकी जो भर्तियाँ होगी उसमें जो है पिछली बार भर्तियाँ 450 के करीब GD की यानी जनरल ड्यूटी की पोस्ट थी, तो इस बार उसको इंक्रीज करके काफ़ी ज़्यादा संख्या में लाया गया है। मैं अगला वीडियो में जब डिटेल मुझे और कुछ मैं जानकारियां कलेक्ट कर लूँगा, यानी मुझे अभी भी जानकारियां हैं लेकिन जानकारियां मैं पुष्टि तब तक नहीं करता हूँ तब जब तक मुझे क्लियर तरीका से जानकारियां नहीं होता है, तो मैं इसके बारे में किसी वीडियो में आगे बता दूंगा कि आखिरकार रांची यारों के अंदर भर्तियां डीपली कितनी है। लेकिन इतना कीजिए, 500 समथिंग भर्तियां हैं, यानी कि 500 से ऊपर वैकेंसियां हैं इस बार रांची यारों के अंदर, यानी 500 से ऊपर के माने कि 500 से ऊपर 600-700 भी वैकेंसियां रांची यारों में आने की संभावना है, यानी 700 भी वैकेंसियाँ रांची यारों के अंदर होंगी। लेकिन मैं इसकी पुष्टि अभी नहीं करूँगा, डिटेल अगली वीडियो में बताऊँगा। कल जो भी बच्चे
ईस्ट सिंहभूम सॉरी वेस्ट सिंहभूम, गढ़वा, लोहरदगा और जामताड़ा और दुमका, जो पांच ज़िले की भर्तियां हो रही है, और जो भी बच्चे कल दमखम दिखाएंगे, मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी दमखम जोश जुनून जज्बे के साथ ग्राउंड के अंदर फतेह करें, जिगरा में दम लेकर के आप जाइए। और आप इतना मान के चलिए कि मुझे सैन्य सेवा में जाना है, यानी भारतीय सेना के अंदर जा रहे हैं, तो मैं परमानेंट सेवा के अंदर जा रहा हूँ। बहुत सारे डिमोटिवेट होकर के रुक गए हैं, जो बहुत सारे बच्चे, या आखिरकार 4 साल की भर्तियां हैं तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, उनकी दिमाग के अंदर एक मोटा तौर पे बैठ गया है, तो उनको बैठाने की ज़रूरत नहीं है। इनके ऊपर भी बहुत सारे अभी चर्चाएं चल रही है, जैसे आपकी 5 दिन पहले की दैनिक भास्कर की पेपर में दिया हुआ था कि अग्निवीर पे बहुत सारे चर्चाएं चल रही है, जो विदेशी कंपनियां हैं उनसे एमओयू हो रही है, एमओयू सिग्नेचर होगी। तो आप समझिए मोटे तौर पे कि आपको एक दिन भी उसमें दिया हुआ था कि एक दिन भी आपको बैठने का मौका नहीं मिलेगा, यानी भारतीय सेना से आप जैसे ही 4 साल के अंदर आपको रिटायर्ड किया जाएगा तो आपको तुरंत एमओयू जो 10 कंपनियां से साइन होनी है, उस कंपनियां में बहुत सारे बड़ा बड़ा कंपनियां, अमेजन, फ्लिपकार्ट और बहुत बड़ा इंजीनियरिंग सर्विस का जो कंपनियां हैं, वो विदेश से भी जो कुछ कंपनियां आएंगी उनमें आपको एमओयू साइन बहुत जल्द यानी अगली मंथ में होने की संभावनाएं हैं। और बहुत सारे विभाग में आपकी प्रावधान किया जा रहा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेपर में ऐसा दिया हुआ था। तो आपसे आग्रह है कि जोश जुनून जज्बे के साथ ग्राउंड के अंदर कल फतेह कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कल आपको वीडियो की जानकारियाँ पूरा ग्राउंड के अंदर जो भी होगा मैं आपको कल की वीडियो में ज़रूर डिटेल दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।